नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज बोल में दो विषय आपके सामने होंगे। मुद्दा नंबर एक, कांग्रेस ने सरकारी पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर जोरदार हमला बोला है। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे थे, पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी थे। इसके अलावा संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तैयारी के साथ कांग्रेस इस मुद्दे पर उतर रही है। और दूसरा मुद्दा जो हम पूरी ईमानदारी के साथ न्यूज क्लिक में उठाते रहे हैं, सरकार और किसान के बीच बातचीत। किसान ने स्पष्ट कह दिया दोस्तों कि अब तक आप धर्म के आधार पर हमें बांटते आए हैं, मगर हम समझ चुके हैं और अब हम और नहीं बटेंगे, सरकार के सामने और नहीं झुकेंगे। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है दोस्तों, किसानों के खिलाफ NIA जो है वो जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और किसान भूल जाइए, पत्रकारों तक को नहीं बख्श रही है NIA। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। तो इससे पहले कि हम कांग्रेस वाला मुद्दा उठाएं, आइए आपको बताते हैं कि आज दरअसल बातचीत में हुआ क्या। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। तो मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत का आज का ये दौर बहुत अहम रहा, क्योंकि आज सरकार सही मायनों में किसानों के सामने झुक गई है। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, किसानों ने जो चेतावनी दी थी और साथ ही में कहा था कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्टर्स की एक परेड करेंगे, उस मुद्दे को लेकर किसान ने कहा है कि आप हमसे बताइए 6 महीने, 1 महीने, 1.5 साल, 2 साल, हम किसान से जुड़े इन तीनों कानूनों को मुलतवी करने के लिए, स्थगित करने के लिए तैयार हैं और इस दौरान हम एक समिति का गठन करेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त असमंजस का दौर था। पहले एक खबर आई कि किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, मगर अब जो खबर आ रही है इस पर आप गौर कीजिए, सरकार झुक गई है। सरकार ने कहा कि हम दो तीनों जो किसान से जुड़े कानून हैं उसे 2 साल के लिए, जी हां गौर से सुनिए, 2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं। अब किसान जो हैं वो मिलने वाले हैं बाकी किसानों से, वो चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कल। आज 20 तारीख है दोस्तों और अब अगले दौर की बातचीत है 22 को। आपने इससे पहले देखा होगा दोस्तों कि बातचीत के बीच में जो वक्त था वो एक एक हफ्ते का था, मगर अब 2 दिन के अंतराल पर अगले दौर की बातचीत होने वाली है, यानी कि जो 11वें दौर की बातचीत है वो 22 को होने वाली है। अब ये अपने आप में एक शुभ संकेत माना जाएगा अगर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है उस बात को लेकर, क्योंकि अब दूरियां कम हो रही हैं बातचीत के दौर में। यही नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा और वो प्रपोजल था कि हम इन तीनों कानूनों को 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे और फिर हम इसे जो है चर्चा करेंगे। और यही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि आज किसानों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। यह खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आप जानते हैं शिमला के 3 किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर से हिमाचल प्रदेश वापस आते हैं और वो रिज रोड पर भाषण देना चाहते हैं। शिमला की जो पुलिस है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आज किसानों ने 2 टूक सरकार से कहा कि एक तरफ तो आप बातचीत का ड्रामा करते हैं और फिर हमारी किसानों को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं। क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या इस देश के अंदर सिर्फ सरकार के चाटुकार पत्रकारों को ही कहने की एक तरह से आजादी है? तो यह मुद्दा उठाया जिस पर पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। किसान वहां नहीं रुके, किसानों ने आगे उनसे यह भी कहा, आप हमें यह बताइए कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सिर्फ किसान ही नहीं, उन पत्रकारों से भी पूछताछ क्यों कर रही है, जांच क्यों कर रही है जो सिंघू बॉर्डर में हमारे दुख दर्द को देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। सोच के आपको अटपटा नहीं लगता दोस्तों, किसानों के जो आड़तियां हैं उन पर इनकम टैक्स रेड, NIA जो है वो किसानों की जांच कर रही है, मनोहर लाल खट्टर ने कई किसानों पर FIR दर्ज कर दी है। उधर जो पत्रकार इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं उनसे भी NIA पूछताछ कर रही है। ये वाकई कल्पना से विचित्र है दोस्तों, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे में जब
सरकार बातचीत की बात करती है ना, यही बात देश के किसान को हजम नहीं हो रही है। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, सरकार लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, तब इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। बातचीत में शामिल पीयूष गोयल ने क्या कहा था याद है आपको? पीयूष गोयल ने यह तक कहा था कि ये तो अर्बन नक्सलों की गिरफ्त में है, और माननीय रविशंकर प्रसाद ने तो इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया था। बाद में राजनाथ सिंह सामने आते हैं, कहते हैं मैं ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रहता हूं, किसानों की राष्ट्रवाद पर, सिखों की राष्ट्रवाद पर हम शक नहीं कर सकते। मगर हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं सरकार किसान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, क्योंकि किसान जो है वो लगातार सर्दी में ठिठुर रहा था। करीब 80 किसान अब तक मारे जा चुके हैं। उधर अदालत में वो एफिडेविट देता है, वो भी आईबी की गप के आधार पर, कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है। यही नहीं, समानांतर तौर पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की भी किसानों से बातचीत हो रही थी। क्यों? क्योंकि किसान ने कह दिया है कि 26 जनवरी को हम परेड का आयोजन करेंगे, किसान अपने ट्रैक्टर निकालेंगे दिल्ली में। इस बात को लेकर जो है बात अधर में लटकी हुई है, और कल यानी कि बृहस्पतिवार को दोनों के बीच में फिर से बातचीत होने वाली है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किसान को इस तरह से क्यों रोक रहे हैं, यह अपने आप में काफी मायने रखता है। देखिए, अब ये दोहरी बातें नहीं हो सकती किसानों के साथ। एक तरफ तो आप बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ आप उस पर अंकुश लगाते हैं, आप आड़तियों पर इनकम टैक्स रेट्स मारते हैं, एनआईए जो है वो पत्रकारों से सवाल जवाब करती है, पत्रकार है भाई, आतंकवादी नहीं है। तो एक बात तय है दोस्तों, किसानों की सोच के सामने सरकार की जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, नाकाम पड़ते नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, आप जानते हैं, आज बातचीत के दौरान किसान ने सरकार से कहा, और क्या कहा, कि ये जो तीनों किसान बिल हैं पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। तो पीयूष गोयल ने उनसे सवाल किया कि भाई आपको क्यों लगता है ये असंवैधानिक है? उन्होंने कहा, पीयूष जी आपने संसद के अंदर कहा था कि कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है, ऐसे में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्यों दखल दे रही है? किसान जो 40 संगठन सरकार से बात कर रहे हैं ना, वो पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। आपको अंदाजा लगाना होगा दोस्तों, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो खाना तक खाता है उसको लेकर भी उसे बदनाम किया जाता है। विदेश में बसे आतंकवादी संगठन जानबूझकर उसके आंदोलन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको लेकर भी उससे जवाब मांगे जाते हैं, उसकी जवाबदेही तय की जाती है, मगर इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। दोस्तों ये तो रही किसान की बातचीत। जी हां, मोदी सरकार और किसान की बातचीत। अब अगले दौर की बातचीत 22 को होने वाली है, और यकीनन बातचीत का यह दौर खासा अहम रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पेशकश हुई है जिसे किसानों ने खारिज नहीं किया है। अब उस पर वो कल चर्चा करेंगे। कल का दिन बहुत अहम है, पुलिस के साथ उनकी बातचीत है 26 जनवरी की परेड को लेकर। यही नहीं, अब किसान बताएंगे, अगर किसान मान जाते हैं तो यह आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए, उसके बाद आगे देखना होगा क्या होगा। अगर नहीं मानते हैं तो यह आंदोलन चलता रहेगा, मगर अगले दौर की बातचीत जो है सिर्फ 2 दिन बाद है, 22 को है। दोस्तों अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरह से अर्णब गोस्वामी को घेर रही है। यह रिकॉर्डिंग मैंने कुछ देर पहले दिन में की थी, मगर यह रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहूंगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी ने अपने फोन को बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहला सवाल, आखिर ऐसा अर्णब गोस्वामी ने क्यों किया? और अगर ऐसा अर्णब गोस्वामी ने कहा जैसा कि मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, तो इसका मतलब अर्णब गोस्वामी ने सबूतों को बर्बाद किया है। ही हैज डिस्ट्रॉयड एविडेंस। मेरा सवाल यहां पर कांग्रेस से कि आखिर वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? अगर कांग्रेस अर्णब गोस्वामी को घेर रही है तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अर्णब गोस्वामी बहुत कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, क्योंकि अगर आपने सबूतों को बर्बाद किया है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और यही नहीं, कल्पना कीजिए दोस्तों,
पार्थो दास गुप्ता की बातचीत में इतना कुछ सामने आ गया। अब सरकार में वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो अर्णब गोस्वामी के साथ संपर्क में थी, अर्णब गोस्वामी के फोन से वो तमाम जो है जानकारी हमें मिल सकती थी। आखिर अर्णब गोस्वामी ने ये फोन अपना क्यों बर्बाद किया? बहरहाल कांग्रेस उन पर कैसे हमला कर रही है, अब हम वहां का रुख करते हैं आपको यह बताते हुए कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत में थोड़ी सी प्रगति हुई है। किसान जो है वापस गए हैं सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने। अब हम रुख करते हैं अपनी अगली पेशकश का। अब बात करते हैं कांग्रेस ने जिस तरह से जोरदार हमला बोला है सरकारी पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि मुंबई पुलिस ने अदालत में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है जिसमें उसने कुछ व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया है। अब इन व्हाट्सएप चैट्स के अंदर अर्णब गोस्वामी ने कई ऐसी चीजें कही हैं जो वो लगातार बार्क के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्हें वो ये भी बता रहे हैं कि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए उसे मुझे कितना फायदा हुआ, यानी कि अर्णब गोस्वामी को कितना फायदा हुआ। वो ये भी बता रहे हैं कि देखिए सरकार इसका जल्द आने वाले दिनों में जवाब देने वाली है और मुझे इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। आज कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। मैंने आपको बताया कि आज कांग्रेस ने अपने पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा में सांसद गुलाम नबी आजाद को उतारा और उन्होंने एक तरह से मन बना लिया है कि अर्णब गोस्वामी को निशाना बनाएंगे। अब कांग्रेस अर्णब गोस्वामी को निशाना क्यों बना रही है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने दरअसल मुद्दे क्या उठाए। कांग्रेस के निशाने पर न सिर्फ अर्णब गोस्वामी थे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह भी थे। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आप खुद सुनिए। Why was the Prime Minister allowing Arnab Goswami such friendly access to himself and his office? We ask. Why was Arnab Goswami allowed to actively lobby with the Prime Minister and his office? We ask. What was this quid pro quo? तुम मुझे फर्जी टीआरपी करने दो, मैं आपको फर्जी पब्लिक ओपिनियन बनाकर दूंगा। क्या था क्विड प्रो को, ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह और उनके जो चैट्स आए हैं अर्णब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के अमित शाह के विषय में चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि अर्णब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें? यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है? पार्थो दास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से, क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? इज दैट द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? Why was Amit Shah interfering in the functioning of a supposedly autonomous agency called the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India? दोस्तों ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि अर्णब गोस्वामी ने अपने इस कथित WhatsApp चैट्स में अरुण जेटली का हवाला दिया जब वो डेथ बेड पर थे, उनकी हालत बहुत नाजुक थी और अर्णब गोस्वामी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अरुण जेटली को घसीटा जा रहा है, प्रधानमंत्री को विदेश की यात्रा पर जाना है और उन्हें घसीटा जा रहा है, वो घिसट रहे हैं, मानो ये कह रहे हो कि भाई इनकी जल्दी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती, लगभग वही भाव था उनका। आज ये मुद्दा कायदे से बीजेपी को उठाना चाहिए क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने इस व्हाट्सएप चैट में कहीं ना कहीं अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली की बेइज्जती की है, उनकी तौहीन की है, मगर ये मुद्दा बीजेपी नहीं उठा रही है। क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का, आप खुद सुनिए। द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट हैव कम अबाउट हिम इज डीपली डीपली सैडनिंग, वेरी हर्टफुल टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट हिज डेथ। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड,
He was on his deathbed, and all his supporters, all his friends, all his contemporaries were very saddened that he left in life so early. And yet, here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly? What is it? What is it that they say that the government is maintaining him? In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको इनको उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है? मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है. इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल इफ दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर ओन पीपल. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी फेवर्स दे मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम ड्यूरिंग हिज करियर, बट इफ दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर ओन पीपल, हाउ वुड दे ट्रीट ऑर्डिनरी पीपल इन दिस कंट्री, हाउ विल दे ट्रीट दिस लैंड? तो मैंने आपको बताया कि आखिरी मुद्दा कांग्रेस क्यों उठा रही है. दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके हवाले से कांग्रेस जो है अर्नब गोस्वामी को घेर रही है. और अर्नब गोस्वामी को क्यों घेर रही है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं. सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है क्या. कहने को अंग्रेजों के जमाने का एक तरह से कानून है, मगर अब भी लोगों को निशाना साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. Official Secrets Act 1923. If any person having in his possession or control any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, document or information, A. willfully communicate the same to any unauthorized person, uses the information in his possession for the benefit of any foreign power or any manner prejudicial to the safety of the state, retains the secret information when he has no right to retain it, and willfully fails to comply with all the directions issued by lawful authority with regard to return or disposal thereof, fails to take reasonable care of and so conducts himself to endanger the safety of the sketch, plan, model, article, note, document, secret official code, or password or information, he shall be guilty of an offense under this act. यानी कि ये धारा क्या कहती है कि अगर आप कोई बहुत ही sensitive information जिसका नाता देश की सामरिक शक्ति से हो, सैनिक शक्ति से हो, अगर वो आप किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो आपको इसके जरिए सजा दी जा सकती है. और कहीं ना कहीं कांग्रेस दोस्तों अर्नब गोस्वामी को इसी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जरिए उस पर निशाना साध रही है. कांग्रेस ने कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो हमने न्यूज क्लिक में आपको दिखाई थी. राहुल गांधी खासे उग्र थे और राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह डाला कि इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि उस शख्स की भी जिसने अर्नब गोस्वामी को यह जानकारी लीक की. और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे. और आज भी कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा ने अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथों लिया. क्या कहा उन्होंने आपकी स्क्रीन पर? देश की सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय बातें एक पत्रकार को बताई गई. हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, पत्रकार कहता है हमें फायदा होगा. राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते हुए पकड़े गए. ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. एक तरफ ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही, दूसरी तरफ जवानों की जिंदगी से खेल रही है. तो सारा का सारा फोकस दोस्तों कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के हवाले अर्नब गोस्वामी और इस सरकार को घेरना है. मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आखिर कांग्रेस अर्नब गोस्वामी को क्यों निशाने पर ले रही है. इसको समझने के लिए या इसका जवाब जानने के लिए आपको यह बात समझना होगा कि पिछले 6 सालों में हो क्या रहा है. दोस्तों, मोदी सरकार के सामने मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है. कल्पना कीजिए जब पुलवामा में हमला हुआ और अगर पत्रकारों ने इस सरकार को कटघरे में रखा होता कि हमारे 40 जवान क्यों शहीद हुए बजाय कि उनकी जय जयकार करने के. क्योंकि हो क्या रहा था, पुलवामा एपिसोड से पहले मोदी सरकार की हालत बहुत कमजोर थी, मगर जैसे ही हमारे 40 जवान शहीद होते हैं और उसके बाद एक बालाकोट स्ट्राइक होता है तब अचानक प्रधानमंत्री का महिमामंडन शुरू हो जाता है. राष्ट्रवाद
बनाम देशद्रोही का पूरा संवाद शुरू हो जाता है। और इसमें मदद किसने की थी? इसमें मदद की थी किसी और ने नहीं बल्कि अर्णब गोस्वामी सरीखे पत्रकारों ने। उस व्हाट्सएप चैट में भी अर्णब गोस्वामी ये बार बार कहता है कि मोदी को इसका फायदा होगा, मोदी को इसका फायदा होगा। अरे भाई, हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, इसमें नफा नुकसान की क्या बात हो सकती है? और इसी तरह का संवाद हर न्यूज चैनल में दिखा। और उस दौरान मुझे याद है जो भी व्यक्ति ये सवाल उठाता था कि हमारे 40 जवान तो शहीद हुए मगर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर ये 40 जवान शहीद ही क्यों हुए, तो उनको भी मीडिया जो है निशाना साधता था। ये जो है उस वक्त दिक्कत काफी पेश आ रही थी दोस्तों। और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस समझती है। अर्णब गोस्वामी के जरिए वो कहीं ना कहीं निशाना साधना चाहती है उस तमाम मीडिया पर जो कि मोदी का महिमा मंडन करने में लगा हुआ है, जो कि सरकार से सवाल नहीं पूछता। अब दूसरा पहलू क्या है? आपको याद होगा महाराष्ट्र के पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था दोस्तों? अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल में एक झूठ का प्रचार प्रसार किया। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि देखिए पालघर में हमारे साधु मारे गए, अब ये सोनिया गांधी जो है वो फोन करेगी इटली में और ये कहेगी कि देखो मैंने मरवा दिया साधुओं को। इतना बड़ा झूठ, और ऊपर से ये अपने आप में बहुत ही डेफेमेटरी था। आप किसी की तौहीन कर रहे हैं, यानी कि अर्णब गोस्वामी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ले रखी थी, ना सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने की बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निजी हमले करने की। यहां तक कि इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रिया रिपब्लिक ने दी है या अर्णब गोस्वामी ने दी है, उसमें ना सिर्फ वो कांग्रेस पर निशाना साध रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी उसके घेरे में ले रहा है, यानी कि पाकिस्तान और कांग्रेस को एक साथ जोड़ के वो निशाना साध रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर आज की तारीख में कांग्रेस निशाना साध रही है अर्णब गोस्वामी पर, तो पहली उसके साथ कहीं ना कहीं एक निजी लड़ाई है उसकी, क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी ले रखी है बीजेपी की। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो निशाना साधना चाहती है मोदी की कमजोर नब्ज पर, यानी कि जो ताकत है उनकी वो है मीडिया का दुष्प्रचार, और इसलिए वो बार बार कह रहा है, इसलिए बार बार कांग्रेस कह रही है कि मीडिया को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। इस बात में दो राय नहीं है दोस्तों कि बात बहुत दूर जाने वाली है, क्योंकि इस पूरे व्हाट्सएप चैट में अर्णब गोस्वामी इस बात को लेकर एक्सपोज हुआ है जिन बातों को लेकर वो लोगों को निशाना साधता रहता था, मसलन देशभक्ति, दूसरा सरकारों से निकटता। ये आदमी खुलेआम सरकारों का, प्रधानमंत्री कार्यालय का कथित तौर पर इस्तेमाल कर रहा था कई लोगों को निशाना साधने के लिए, जैसा कि इस व्हाट्सएप में सामने उभर कर आया है, और दूसरा जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, मगर जो मुद्दा यहां मैं उठाना चाहता हूं कि मैं उम्मीद ये करता हूं कि आने वाले दिनों में मीडिया जो है वो भी आत्ममंथन करेगा, वो विचार करेगा कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनकर रह गई थी। नमस्कार।